मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर से विदिशा आए, जहां ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। यहां पर पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा लगाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। ये क्या ऐसे कबाड़ पड़ा हुआ है? नहीं सर, ये अभी बन रहा है सर, तो ये सफाई कर रहे हैं सर, अभी कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा काम बचा है। अरे एक मिनट ऐसे तो हो यार, और क्या क्या बाकी फटाफट लग चुकी है, बस ये पोस्टर लगा है, प्रोजेक्टर्स रहेंगे, ओवरऑल पीछे का थोड़ा सा एग्नोस्टिकल बचा हुआ था जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। चार चीज़ बची हुई थी सर एग्नोस्टिकल कंप्लीशन पे, कारपेट बिछना है, बाहर का डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिकल पैनल रूम। इलेक्ट्रिकल पैनल रूम जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, चार्जिंग बचा है, बाहर का OAT कम्प्लीट होना है और डेवलपमेंट बचा है। डेवलपमेंट में क्या बचा है? सब पेड़ पौधे लगने हैं, वो शुरू कर भाई जी चेहरा दिखा दो। अरे सर घर लगूंगा आप लोगों से। अरे मुझे एकदम पता लगा था तुम जाओ 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 भाई जाओ। ये दूसरे बोलवाने आज शाम को मैं एक बार सर लेकिन थोड़ा भाई ऐसे ये ये कंप्लीट कब होना था, ये समय सीमा क्या थी इसके पूरी होने? ये सर नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा सर, ये तीन होना कब था ये सब कुछ सर? इसको मुझे सीधा जवाब, कब कब पूरा होना था? समय पर वो पूरे हों इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं, और क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने ऑडिटोरियम भी देखा, ऑडिटोरियम में कुछ काम अनकम्प्लीट था, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपया फिर स्वीकृत करके उसको सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम विदिशा के लिए बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2-2.5 महीने में उसका काम लगभग पूरा हो जाएगा। विदिशा के ऑडिटोरियम की पहल हमारी नेता, यहाँ से सांसद और विदेश मंत्री से लेकर अनेकों पदों पर रही दीदी सुषमा स्वराज जी ने की थी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सुषमा दीदी की प्रतिमा ऑडिटोरियम के बाहर वहाँ स्थापित की जाएगी और ऑडिटोरियम का काम पूरा हो, उसके लिए आवश्यक धनराशि हमने स्वीकृत कर ली है। उसके अतिरिक्त विदिशा एजुकेशन हब बन रहा है, एक तरफ मेडिकल कॉलेज पूरा हो गया है, बाकी जो चीज़ें उसमें प्रशासनिक आधार पर पूरी होनी उसका काम हम कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय बन के कम्प्लीट है, गर्ल्स हॉस्टल, उनका छात्रावास और बाकी निर्माण के काम भी तेज़ी से चल रहे हैं। तो आज मैं उनको देखने आया था, कोविड के बावजूद भी काम यहाँ बहुत लेट नहीं है, थोड़े ज़रूर पिछड़े हैं, तो काम देखें समय सीमा में ये सारे निर्माण के काम पूरे हो। तो यहीं मेडिकल कॉलेज, यहीं गर्ल्स कॉलेज, कॉलेज हॉस्टल्स, छात्रावास ये सब बनेंगे, तो बच्चों को विशेषकर बेटियों को गर्ल्स हॉस्टल बनने के बाद, बालिका छात्रावास बनने के बाद काफ़ी सुविधा मिलेगी।